Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you forward counting in maths. बच्चों, मैं आपको मैथ्स में एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ फॉरवर्ड काउंटिंग की। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब तो आप लोग बच्चों जानते हो, ऐसा काउंटिंग जो आगे की ओर बढ़ता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसको हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनका फॉरवर्ड काउंटिंग राइट करना है। तो सबसे पहले है 205, उसके बाद क्या होता है 206। अब आपको 206 के बाद लिखना है क्या आता है। 206 के बाद आता है 207। कैसे लिखते हैं 207, इसको क्या बोलते हैं 207। अब 207 के बाद क्या आता है 208। इस तरह से आपको फॉरवर्ड काउंटिंग, कोई भी नंबर्स कहीं से भी दिया हुआ है, आपको फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे की ओर काउंटिंग को लिखना है। ठीक है, 207 के बाद आता है 208, यहाँ पे क्या राइट करेंगे 208। देन 208 के बाद आता है 209, यहाँ क्या राइट करेंगे 209। तो इस तरह से आपको सारे नंबर्स का फॉरवर्ड काउंटिंग राइट करना है। नेक्स्ट नंबर है 241, उसके बाद आता है 242 के बाद आता है 243 के बाद आता है 244, 244 के बाद क्या आता है 245। तो इस तरह से आपको कहीं से भी आपको काउंटिंग दिया रहे तो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने की, कि फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब है कि काउंटिंग आगे की ओर से बढ़ते जाएगा, आगे की ओर से आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है नेक्स्ट नंबर 262 के बाद मैंने राइट किया है 263। अब आपको लिखना है 263 के बाद आता है 264। अब 264 के बाद आता है 265। 265 के बाद क्या आता है 266। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 284 के बाद मैंने क्या राइट किया है 285। 285 के बाद क्या राइट करेंगे 286। 286 के बाद क्या होता है 287, और 287 के बाद क्या लिखते हैं 288। तो चिल्ड्रेन, फॉरवर्ड काउंटिंग में आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग आगे की ओर बढ़ते जाती है। इस बार मैंने आपको काउंटिंग 201 टू 300 आपके सिलेबस में है, तो वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैकवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड, फॉरवर्ड मैंने बताया था आगे की ओर काउंटिंग बढ़ता है, बैकवर्ड मतलब होता है कि पीछे की ओर से काउंटिंग लिखना है। जैसे कि 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, इस तरह से पीछे की ओर काउंटिंग को लिखना है। तो यहाँ जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनको बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है, पीछे की ओर से काउंटिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए 75 है, 75 के पहले, 75 के बाद तो 76 आता है, लेकिन इसके पहले वाला नंबर आपको लिखते जाना है। तो 75 के पहले होता है 74, 74 के पहले आता है 73, और 73 के पहले आता है 72, और 72 के पहले क्या आता है 71। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग में काउंटिंग आगे की ओर बढ़ रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग काउंटिंग पीछे की ओर से हम लोग राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है 58 के पहले हमेशा बिफोर वाला नंबर लिखना है बैकवर्ड काउंटिंग में, और फॉरवर्ड में आफ्टर वाला नंबर लिखते जाना है। तो 57 के पहले आता है 56, 56 के पहले क्या आता है 55, और 55 के पहले क्या आता है 54। ओके, नेक्स्ट है नंबर 96 के पहले मैंने क्या लिखा है 95 के पहले क्या लिखा है मैंने 94। अब 94 के पहले क्या होगा आपको सोचना है, 94 के पहले आता है 93, और 93 के पहले क्या आता है 92। इस तरह से आपको कोई भी नंबर्स दिया जाएगा बैकवर्ड काउंटिंग में तो आपको याद रखना ऐसा काउंटिंग जो पीछे की ओर से राइट करते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।